हेलो दोस्तों, आज मैं पेरिस डायरी में राहुल आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज मैं कैमरे के पीछे हूँ और मम्मी के साथ एक बहुत ही धमाकेदार रेसिपी बनने जा रही है। वो है बंगाली स्टाइल पंपकिन, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और स्पेशल फ्लेवर्स आने वाले। मम्मी चले और बनाते हैं ये धमाकेदार रेसिपी। ये मैंने लिया है 500 ग्राम पम्पकिन, जिसको मैंने काट के धो के रखा है। और इसमें जो मैं तड़का दूंगी वो है 5 फोड़न का, जो कि हर बंगाली डिश की जान है। इसमें 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें है जीरा, मस्टर्ड सीड्स, सौंफ, कलौंजी और मेथी दाना। साथ में इसको मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाऊंगी, जिससे इसका टेस्ट और भी निखर के आएगा। इसके साथ मैं यूज़ करूंगी 2 ग्रीन चिलीज, सॉल्ट, अमचूर पाउडर और हल्दी, जो हर एक इंडियन डिश में पड़ती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने गैस ऑन कर दी है, पैन को गैस पे रखा हुआ है। अब इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डालने जा रही हूँ, पानी के बबल्स जरा सूख जाए। इसमें मैंने करीबन 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है। अब इसको मैं गर्म होने दूंगी जब तक इसकी स्मोक ना निकलने शुरू हो। वंस इट कम्स टू अ स्मोकिंग पॉइंट देन आई विल स्विच ऑफ द गैस। ये स्मोकिंग पॉइंट पे आ चुका था, मैंने गैस को स्विच ऑफ कर दिया था। अभी जब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया, आई स्विच ऑन द गैस अगेन, क्योंकि इतने गर्म स्मोकिंग पॉइंट पे हम तेल के हम तड़का नहीं दे सकते, नहीं तो सारे इंग्रेडिएंट्स सड़ जाएंगे। अभी मैं इसमें डालने जा रही हूँ 5 फोड़न, करीबन 1 टीस्पून है। आई वेट फॉर दिस टू क्रैकल। आग मीडियम पे है, अब ये क्रैकल होना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं 2 ग्रीन चिलीज डाल रही हूँ तोड़ के। ऑलरेडी 5 फोड़न की खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब मैं इसमें ये कद्दू जो काटा हुआ है वो डाल रही हूँ। अब मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ। देखिए 5 फोड़न अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है कद्दू में। अब मैं इसमें नमक डालने जा रही हूँ। नमक सॉल्ट की टेस्ट होता है, जैसे आप खाना चाहें ज़्यादा या कम, लेकिन नमक कम ही होना चाहिए हर चीज़ में, ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। अब मैं इसमें हल्दी डालने जा रही हूँ। अब मैं इसमें नमक और हल्दी अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसको कवर करने जा रही हूँ, इसको लो फ्लेम पे रखूँगी जब तक ये कुक नहीं होता। बीच बीच में आके देखती रहूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें मैं खोल के देखती हूँ। कद्दू ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। लेट मी सी इफ इट इज कुक्ड और नॉट। इट्स ऑलमोस्ट 90% डन। मैं इसमें अभी अमचूर डालने जा रही हूँ। अगर आप खट्टा पसंद करते हैं तो अमचूर डालिए, अगर नहीं पसंद करते हैं तो मत डालिएगा। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। नाउ आई लेट दिस कुक टिल द वाटर ड्राइज। बंगाली स्टाइल कद्दू की सब्जी हो गई है तैयार और मेरे मुंह में आ रहा है पानी। आप भी बनाएं और बताएं कमेंट सेक्शन में आपको कैसे लगी। बेरीज डायरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, वॉच आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।